Next speaker now, the Honourable Minister, Srimati Anupriya Patel ji, would like to intervene in the debate. धन्यवाद सभापति महोदय. संसद के इस विशेष सत्र में जहां एक ओर आज हम अपनी 96 वर्ष पुरानी संसद भवन को, जिसे अब संविधान सदन कहा जाएगा, उसे पीछे छोड़कर नए संसद भवन में प्रवेश कर चुके हैं, वहीं दूसरी ओर इस नए संसद भवन में अपनी पहले ही दिन हमने विधायी कार्य की शुरुआत करते हुए नारी शक्ति को सही मायनों में नमन करने का काम किया है. 128वां संविधान संशोधन विधेयक, जो महिला आरक्षण विधेयक सरकार लेकर आई है, इसकी मैं तहे दिल से सराहना करती हूँ. माननीय प्रधानमंत्री जी को इसके लिए आभार व्यक्त करती हूँ और ये सही मायनों में हम सब के लिए. सभापति महोदय, भारत दुनिया का सबसे ज्यादा आबादी वाला देश है और 142 करोड़ की आबादी में 70 करोड़ की आबादी महिलाओं की है. लेकिन बहुत चिंताजनक और दुर्भाग्यपूर्ण है कि आज भी हमारे लोकसभा में जो महिलाओं की भागीदारी है वो महज 14% है और राज्यसभा में केवल 11% है. इंटर पार्लियामेंट्री यूनियन की एक रिसर्च हुई जिसमें निचले सदन में महिलाओं की भागीदारी का आंकड़ा देखा गया 193 देशों में, जिसमें भारत की रैंकिंग 149 है, यानी 149 है. और ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट 2022 में भी 146 देशों में जो भारत की रैंकिंग है वो 135वीं है. ये कोई बहुत एनकरेजिंग आंकड़ा नहीं है हमारे लिए. और सरकार के तमाम आर्थिक सर्वेक्षण भी बताते हैं कि हमारे राज्य की विधानसभाओं से लेकर हमारे देश की लोकसभा में, देश की संसद में महिलाओं की भागीदारी बहुत कम है. और इसलिए महिला आरक्षण विधेयक समय की जरूरत है. और आज ये बड़े दुख की बात है कि छोटे छोटे देश यूएई, क्यूबा, रुआंडा, मेक्सिको, निकारगुआ, न्यूजीलैंड, ये वो देश हैं जिन्होंने 50% तक महिलाओं की भागीदारी अपने डेमोक्रेसी में सुनिश्चित कर ली है. और भारत जो कहता है कि दुनिया के सबसे बड़ा लोकतंत्र है, हम अपने यहाँ 50% की अभी तक भागीदारी सुनिश्चित नहीं कर पाए हैं. तो उस दिशा में ये एक महत्वपूर्ण कदम है. और बाबा साहेब अम्बेडकर ने कहा था कि पॉलिटिकल पावर इज द की टू सोशल प्रोग्रेस. हमने देखा है कि हमने अर्बन लोकल बॉडीज में, पंचायती राज संस्थाओं में जब अपने देश की महिलाओं को भागीदारी दी तो हमारी महिलाओं ने ग्रामीण क्षेत्रों में, शहरी क्षेत्रों में कितना उल्लेखनीय कार्य करके दिखाया है. और जहां तक मोदी जी की सरकार की बात है तो हमारी सरकार वुमेन लेड डेवलपमेंट की बात करती है, यानी कि महिलाएं आगे बढ़ के कैसे देश का नेतृत्व करें इसकी बात हम करते हैं. तो इसलिए जरूरी है कि जो टॉप मोस्ट डिसीजन मेकिंग है हमारे देश के अंदर, हमारे लेजिस्लेटिव प्रोसेस में और हमारे इंस्टीट्यूशंस में हमारी महिलाओं को लाना बेहद जरूरी है. और उस दृष्टि से ये बिल बहुत ही महत्वपूर्ण है. अध्यक्ष जी, ये बिल नया नहीं है, ये बिल पुराना है, इसका इतिहास 27 वर्ष लंबा है. हमने देखा कि 1996 में सबसे पहले एचडी देवेगौड़ा जी की सरकार इस बिल को लेकर आई थी और उसके बाद तमाम लोगों ने प्रयास किए, तमाम पार्टीज ने, सरकारों ने, 97, 98, 99, 2003 में वाजपेयी जी की एनडीए की सरकार ने प्रयास किया, 2008 और 2010 में यूपीए की सरकार ने प्रयास किया, लेकिन कोई भी सरकार इसे एक लॉजिकल कंक्लूजन तक ले जाने में सफल नहीं हुई. सभी सरकारों ने विफलता का ही सामने किया. उस दृष्टि से मुझे बहुत प्रसन्नता है कि मोदी जी के नेतृत्व की सरकार जब इस विधेयक को लेकर आई है तो हम इसे सफलता तक, अंजाम तक पहुंचाने का काम इस बार करके दिखाएंगे. मैंने विपक्ष के साथियों की चर्चाओं को सुना, उसमें कई विषय सामने आए जिसमें एक महत्वपूर्ण विषय था इस बिल के तहत जो हमारे पिछड़े समाज से आने वाली महिलाएं हैं उनके लिए अलग से प्रावधान करने का. अध्यक्ष जी, ये विषय गंभीर है और ये जो चिंता है वो नाजायज भी नहीं है, इस मांग को गलत भी नहीं ठहराया जा सकता, क्योंकि महिलाओं को अगर हम देखें तो महिलाएं एक जैसा ग्रुप नहीं है, एक होमोजेनस ग्रुप नहीं है, महिलाएं एक हेट्रोजेनस ग्रुप है, क्योंकि महिलाएं अलग अलग पारिवारिक पृष्ठभूमि से आती हैं, अलग अलग इनकम लेवल से आती हैं, अलग अलग जाति धर्म संप्रदाय से आती हैं और उनकी जो लिटरेसी लेवल्स होते हैं, जो उनकी शिक्षा का स्तर होता है वो भी अलग अलग होता है. और हमारी जो सामाजिक संरचना है उसमें जो हमारे पिछड़े वंचित समाज से आने वाली महिलाएं हैं निश्चित रूप से वो हाशिए पर हैं और उनके लिए चुनौतियां अलग किस्म की हैं, उनके लिए चुनौतियां अधिक भी हैं और इसलिए उनके लिए ज्यादा संरक्षण की मांग भी समय समय पर होती रहती है. हमारी सरकार के बारे में मैं जरूर कहना चाहूंगी कि मोदी जी के नेतृत्व में
ओबीसी के हितों को साधने के लिए कई ऐतिहासिक फैसले इन 9 वर्षों में हुए हैं, और एक सहयोगी दल की नेता होने के नाते मुझे पूरा भरोसा है कि हमारे पिछड़े वंचित समाज से आने वाली महिलाओं के अधिकारों को संरक्षित करने की दिशा में प्रधानमंत्री जी जरूर कुछ ना कुछ विचार कर रहे होंगे और इसको सुनिश्चित करने के लिए भी कोई काम जरूर करेंगे। जब मैं अपने कांग्रेस के साथियों को सुन रही थी इस विषय को उठाते हुए, तो मेरे मन में एक स्वाभाविक जिज्ञासा जागी कि 2008 में आप राज्यसभा के अंदर इस बिल को लेकर आए थे और 2010 में आपने इसको पारित कराया था। आज आप कांग्रेस पार्टी के तरफ से ये विषय ओबीसी कोटा का जो उठाया जा रहा है, मेरे मन में जिज्ञासा है कि उस समय जब राज्यसभा में लाके बिल पास कराया था, तब क्या पिछड़े समाज की महिलाओं को कोटा दिया जाए ये विषय आपके संज्ञान में आपकी पार्टी की प्रायोरिटी था या नहीं था? और अगर उस वक्त आपकी पार्टी की प्रायोरिटी नहीं था, तो आज जब मोदी जी की सरकार ये बिल लाई है और ये बिल पास होगा क्योंकि संख्या बल इस किस्म का है, तो क्या ये नया ख्याल अभी आया है? हालांकि ये विषय महत्वपूर्ण है, मैं इस बात को दोबारा दोहराऊंगी, लेकिन स्थिति स्पष्ट होनी चाहिए कि हम अपने आवरण बार बार बदल नहीं सकते हैं। अध्यक्ष महोदय, ये मैं जरूर कहना चाहती हूँ। मैंने एक और बात देखी है अध्यक्ष जी, कि हमारे कई साथियों ने बार बार कहा कि चुनाव है 2024 का, 2024 का चुनाव है। सर्वदलीय बैठक में मैं सुन रही थी, कई सारे हमारे साथी महिला आरक्षण विधेयक लाने की मांग कर रहे थे, तो अब मैं देखती हूँ एक अजीब स्थिति है कि अगर सरकार इस बिल को पेश नहीं करती तो आप कहते हैं कि आप तो महिला विरोधी हैं, आप तो महिला की चिंता नहीं करते, आप महिला के प्रति वादा पूरा नहीं करते, और जब सरकार बिल ले आई है तो आप कहते हैं कि अभी 2024 के आप चुनाव को देखकर लाए हैं, चुनाव में इसका फायदा नहीं मिलेगा। अधिक जी, हर फैसला संसद में बैठकर किसी चुनाव को देखकर नहीं किया जा सकता। आज हमने एक अच्छी शुरुआत की है, हमने एक अच्छी पहल की है, और इसे अगर हमें अंजाम तक पहुंचाना है तो इसकी एक पूरी प्रक्रिया है, उस प्रक्रिया का पालन हमें करना पड़ेगा। हम जानते हैं कि 2011 के आंकड़े हमारे सामने नहीं है, 2001 में हमारी सेंसस हुई, उसके बाद एक लंबे समय तक हमने सेंसस की एक्सरसाइज नहीं करवा पाई है, बीच में कोविड की भी बाधाएं रही, तो हमारे पास जो जनगणना के आंकड़े हैं वो बेहद पुराने हैं और उसके आधार पे हम डिलिमिटेशन नहीं कर सकते, हम एडिशनल सीट्स जनरेट नहीं कर सकते। इसलिए हमें इस संवैधानिक प्रक्रिया का पालन करना पड़ेगा और हमें नए सेंसस एक्सरसाइज के साथ डिलिमिटेशन करते हुए एडिशनल सीट्स क्रिएट करनी होंगी, जिसमें हमारी और जो महिलाएं हैं उनको इसमें आने का मौका मिले। और जो आज हम परेशान हैं कि महज लोकसभा में 14% की हमारी महिलाओं की भागीदारी है, वो बढ़े, हमारे राज्यों के सदन में भी बढ़े, तो ये चिंता जो आपकी है, ये जो बार बार चुनाव को लेकर, मैं यही आग्रह करूंगी कि मैं देख रही हूँ कि एक जो सेंस ऑफ द हाउस है कि सभी लोगों का एक मूड भी है कि ये बिल पारित हो, तो इसमें किंतु परंतु नहीं होना चाहिए। ये बिल स्वागत योग्य है, इसको लेकर आपकी कुछ आपत्तियां हो सकती है, सरकार उनका ध्यान भी रखेगी और इसको हम खुले दिल से स्वीकार करते हुए बिना किसी किंतु परंतु के इसको आगे बढ़ाएं, इसको आगे लेकर जाएं, और बाकी सारे जो सेंसस को लेकर या डिलिमिटेशन को लेकर आपकी चिंताएं हैं उसके आप त्याग दीजिए, सरकार इसकी चिंता कर लेगी। आपने मुझे समय दिया, मैं बहुत बहुत आभारी हूं, और इस बिल को लाने के लिए पुनः मैं अपने देश के प्रधानमंत्री, हमारे सरकार के मुखिया माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी को हृदय से आभार व्यक्त करता हूं। धन्यवाद, धन्यवाद। नेक्स्ट स्पीकर हसरैन मसूदी जी। शुक्रिया चेयरमैन साहब। जनाब, खवातीन के हकूक